हाय फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है लिंक, लिंक या हाइपरलिंक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट लिंक। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ, इसमें मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा एक आगे जो पैराग्राफ रहता है ना, उसके आगे लिखा होता है सी मोर या रीड मोर। ठीक है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग लूंगा। एंकर टैग, इस एंकर टैग के अंदर आके बीच में, इसके यहाँ बीच में आके यहाँ पे लिखूंगा रीड मोर। सेव करता हूं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक, पैराग्राफ आया, रीड मोर ऐसे ही आता है ना। ठीक है, क्लिक करो इस पे। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको कोई पाथ नहीं दिया। ठीक है, अब मान लो मेरा ये, मुझे यहाँ पे कोई पाथ देना है, कहीं नए पेज पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे HRF में लिख दूंगा उसका पाथ। पाथ कैसे होगा, पाथ कुछ ऐसे होगा, https google.com। सेव करो इसको, लोड करो, क्लिक करो इस, गूगल पे आ गया। ठीक है, अच्छा आप ये देखो, क्लिक करोगे तो इसी विंडो में खुल रहा है, ये पिछले वाले को। मैं चाहता हूँ ये नई टैब में खुले, नई टैब, ऐसे नई टैब में आकर खुले। ठीक है, तो क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा HREF, इसका एक एट्रीब्यूट ये रहा, इसका कि दूसरा एट्रीब्यूट होता है टारगेट। टारगेट में मैं दूंगा _BLANK। टारगेट में क्या दे दिया, ब्लैंक। सेव कर दो, रीलोड मारा और आप क्लिक करेंगे, देखो नई विंडो में खुल रहा है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है मैंने गूगल ही दिया, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये विकिपीडिया खुले, मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, इसका पाथ यहाँ से कॉपी और जाके अपने लिंक में यहाँ पे जो गूगल दिया, यहाँ पे इसको पूरे को हटाऊंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा HRF में। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पाथ हमारा आ गया। उसके बाद टारगेट हमारा ये ब्लैंक। सेव करते हैं, रीलोड मारा, रीड मोर पे क्लिक किया, देखो एकदम से नए पेज पे जाके वही पेज खुला। जिसका URL देंगे HRF में, जो भी रेफरेंस URL देंगे, वहीं जाके खुलेगा वो। ठीक है, टारगेट मैंने आपको बता दिया कि टारगेट ब्लैंक दे दोगे तो नई विंडो में खुलेगा, और सेल्फ दे दोगे तो उसी विंडो में खुलेगा। और अगर आप ब्लैंक ही देना पड़ेगा, सेल्फ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक सेल्फ ही होता है। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट लिंक, टेक्स्ट में जो लगाते हैं। ठीक है, ये लिंक आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ लगा सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे ही लगाना है, शुरू में लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ए टैग लूंगा, ए में वही पाथ पेस्ट कर दूंगा अपना जो पाथ है, और इसको उठा के जो टेक्स्ट पे क्लिक कराना है उस टेक्स्ट को उठाओ और उसके ए के अंदर डाल दो, ए के अंदर डाल दिया। मान लो मुझे इप्सम पे क्लिक कराना है, तो इप्सम मैंने इसके अंदर डाल दिया। सेव करूंगा, जाके चेक करूंगा इसको, देखो इप्सम लिंक बन के आ गया, दिख रहा है इप्सम लिंक। क्लिक करोगे यहाँ तो नया हमारा विकिपीडिया पेज खुल गया, क्योंकि मैंने इसको ब्लैंक दिया। मानो मैं इसको सेल्फ दे देता हूँ टारगेट, इसका टारगेट मैं दे देता हूँ टारगेट सेल्फ। ठीक है, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा इसके आगे, सेल्फ दे दूंगा तो ये सेल्फ दिया तो मैंने इसी में खुलेगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको इमेज पे लिंक लगाना। तो इमेज पे लिंक लगाने के लिए मैंने कि मैं पहले मैं इमेज ले लेता हूँ। इमेज में सोर्स में मैंने कोई सोर्स जाके, सोर्स कहाँ से लूँगा, मैंने पहले पिछले भी टोटल बताता है। यहाँ पे मेरी पासपोर्ट नाम की इमेज पड़ी हुई है, passport.jpg मेरी इमेज पड़ी हुई है। अच्छा, ऑल्ट में भी मैं कुछ दे देता हूँ, फोटो दे देता हूँ फोटो। ठीक है, जैसे इमेज ना आए तो ऑल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, Alt+F Ctrl+R। ये फोटो आ गई कंगना रनौत एक्ट्रेस, मैं क्या करता हूँ ये आ गई, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्लिक नहीं हो रहा, कहीं क्लिक नहीं हो रहा। मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कंगना रनौत के पेज का पाथ कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूँ तो पेज पे चला जाए, तो मैं यहाँ आया
और मैंने इसको क्या करना, देखो इमेज ऐसे ही तो क्लिक होने वाला है नहीं, तो मैं क्या करूंगा एक एंकर टैग लूंगा, एंकर टैग लिया और इस इमेज को ले जाके पहले मैंने पाथ दे देता हूँ, पाथ मैंने दे दिया है। अब मैं इस इमेज को ले जाके इमेज पूरी टैग को उठाऊंगा और एंकर टैग के अंदर डाल दूंगा, जहाँ हम टैक्स डालते थे ना एंकर टैग में, वहाँ पर मैंने इमेज डाल दी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ऑल टैब कंट्रोल आर। अब देखो इससे माउस चेंज हो गया, कर्सर चेंज हो गया, देखो पहले कर्सर ऐसा नहीं आ रहा था, पहले कर्सर ऐसा आ रहा था, ऐसा दिख रहा नहीं, अब देखो यहाँ पे आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो कर्नर रावत का पेज खुल गया। ठीक है, तो मैं जो भी URL दूंगा वो खुल जाएगा। तो मैं टारगेट यहाँ भी ब्लैंक देता हूँ, क्योंकि मैं अगर बार दोबारा क्लिक करूँ तो ये नई टैब में खुले, इसमें ना खुले बार बार मुझे। इसका टारगेट मैंने ब्लैंक दे दिया, ऑल टैब कंट्रोल का, बैक करो इसको, ये था हमारा। क्लिक करूंगा तो नई टैब में खुलेगा, खुला नई टैब में, क्लिक किया नई टैब, ठीक है वही पेज खुलेगा, जिसका मैं URL देंगे वही पेज खुलेगा। ठीक, ये था इमेज पे लिंक लगाना। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं लिंक की, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। स्टाइल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए टैग, सबसे पहले मैं एक कोई कलर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ, मान लो मुझे नीला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेड, ये देखो रेड आ गया। ठीक है, लिंक का मैंने कलर चेंज कर दिया, रेड हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी होवर, होवर क्या होता है, ए पे होवर, होवर ऊपर में मुझे इसका कलर चाहिए, मुझे इसका कलर चाहिए येलो। ऊपर का मतलब होता है उसके ऊपर माउस लेके जाए तो कैसा हो, देखो येलो हो रहा है। ठीक है, ये होता है ऊपर। इसके बाद तुम्हारा होता है एक्टिव, एक्टिव पे मैंने इसको कलर दे दिया, कलर मैंने इसको दे दिया ग्रीन। अब देखते हैं एक्टिव क्या होता है। देखो मैंने पहले कलर दिया तो रेड हो रहा है, दोबारा मैंने इसके ऊपर जब होवर, मतलब होवर का मतलब माउस होवर करना होता है, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये येलो हो जा रहा है, तो होवर हो रहा है ये। ठीक है, अब मैं इस पर मैंने एक्टिव दिया, एक्टिव कैसे चेक करूंगा, देखो जब इस पर क्लिक करूंगा ना, क्लिक करके माउस को दबा के रखना, देखो जब तक माउस दबा के रखोगे ग्रीन दिखेगा, कहने का मतलब इस समय पे एक्टिव हुआ, और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, दबा के रखूंगा ग्रीन, छोड़ दूंगा तो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इस पर कोई लिंक नहीं लगाया इसलिए कहीं पेज पे गया नहीं, इस पर देखो क्लिक करूंगा तो चला जाएगा, क्लिक छोड़ते ही नए पेज पे चला चला गया। ठीक है, और एक होता है विजिटेड, BIST विजिटेड, विजिटेड में कलर दे दिया मैंने इसको ऑरेंज देता हूँ, ऑरेंज देता हूँ, पहले हमने इसको येलो कैसा दिया होता, रेड दिया होता ना, रेड नहीं आ रहा, देखो ये विजिटेड हो गया। क्या विजिटेड मतलब होता है, उस URL पे आप एक बार विजिट कर चुके हैं, बता देगा कि विजिट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, ये तीनों चीज़ें एक बार में चेक करके दिखाता हूँ। एक नया लिंक बना देता हूँ, एक नया बनाया मैंने, उसमें मैंने दे दिया ट्विटर। ठीक है, अब देखो पहले ये रेड आ रहा है, अब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, ऊपर पे ये येलो हो रहा है, क्लिक करूंगा तो एक्टिव हुआ, ग्रीन हो गया, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो साइट खुल जाएगी। ठीक है, और जब मैं बैक आऊंगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो गया। तो ये था लिंक। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।